आकाश देखने वाले तमाम दर्शकों को स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आप सब जानते हो कि हरियाणा में बजट सत्र शुरू हो चुका है और हमारे बीच में एक्स मुख्यमंत्री हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मौजूद हैं। हुड्डा साहब, सबसे पहले बजट पर आप बताइए, बजट किस तरह का पेश हुआ? बजट का तो मैंने कल कहा था, ये तो निराशाजनक बजट है, डायरेक्शन से कोई दिशाहीन बजट है और एक भी नया प्रोजेक्ट लेके नहीं आए, किसी वर्ग का भले का काम नहीं किया और बजट को घाटे में धकेल दिया गया। क्योंकि जिस किस्म की ये कार्रवाई करते रहे, कभी कोई इवेंट मैनेजमेंट की करते रहे, सारा पैसा उसमें व्यर्थ किया है और लोगों ने नहीं किया। चार वाक जो कहा था उस नीति पे चल रहे हैं, कर्जा लो, घी पियो और जियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा। इस हरियाणा को बर्बादी के कगार पे ले जा रहे हैं। हुड्डा साहब, जैसे आज सुबह सर्जिकल स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के ऊपर, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहले देखिए, राष्ट्र हित में जो भी कदम उठाना चाहिए उनको उठाने की सराहना हम करते हैं और ये बहुत पहले इस किस्म के कदम उठ जाने चाहिए थे। अच्छा, जो रिसेंटली प्रियंका गांधी जी अपने कांग्रेस पार्टी में महासचिव का उद्धव उनको मिला है, उसके उनके आने से किस हद तक कांग्रेस के अंदर को जोश मिलेगा इसके बारे में? पहले भी प्रियंका जी कांग्रेस की उसमें हिस्सा लेती थी, अब और ऑफिशियली तौर पर ले रही है, मजबूती मिलेगी कांग्रेस को। हुड्डा साहब, क्या कारण है कि जींद के अंदर अपनी कांग्रेस पार्टी एक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, तीसरे नंबर पाई, जो जबकि सेंटर के अपने स्टेट के लीडर चौधरी रणवीर सिंह, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी इलेक्शन करते, उसका क्या कहाँ पर कमियाँ रही हैं इसके बारे में बताइए। देखिए, जो हथकंडे बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में आमतौर पर जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो जीता ही करती है और जिस किस्म के हथकंडे वहाँ अपनाए गए, वोटों की खरीद फरोख्त जिस प्रकार से हुई, वही कारण है और क्या। प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारे बीच में एक्स चीफ मिनिस्टर हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे और डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा अपने कैमरामैन मनदीप गौतम के साथ अर्थ प्रकाश टीवी चैनल।